नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आज हम राजधानी लखनऊ की चौक स्थित बड़ी काली माता मंदिर में मौजूद हैं, जो शहर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर आदि शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना 2000 साल पहले की थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु आते हैं, माता रानी के सामने सिर झुकाते हैं, उनके सारे दुख कष्ट दूर होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के लोग यहाँ के आए हुए लोगों से उनकी तैयारियों के बारे में। क्या नाम है आपका? वर्षा पंजाबी। इस मंदिर में आप कब से आ रही हैं और किस प्रकार से पूजा करती हैं? मैं कम से कम 20 साल से आ रही हूँ। पूजा के माता के आगे आके हाथ जोड़ते हैं और जो चढ़ाना होता है चढ़ा देते हैं। जैसा कि नवरात्रि का पहला दिन है तो आप लोग व्रत भी होंगी? मैं तो व्रत नहीं रखती हूँ, लेकिन ये है कि नवरात्रों के टाइम पे मैं माता के मंदिर एक बार जरूर दर्शन करने आती हूँ। जैसा कि नवरात्रि का दिन चल रहा है और आप व्रत भी होंगी, तो ये व्रत 9 दिन में आप किस तरह के फलहारी करती हैं? फलहार वगैरह जो होता है, साबूदाना वगैरह होता है और अच्छा वाला जो होता है वही इस्तेमाल करते हैं। और क्या कहते हैं, कुट्टू का आटा है और मीठा फलहार वगैरह है, ये सब चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत मतलब लाइटली लेते हैं। अच्छा, जैसे ये आप अपने घर में मंदिर में मूर्ति भी स्थापित करती होंगी माता रानी की, तो जैसे प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी कि नदियों में इसको मतलब विसर्जित मत करिए, तो इस पर आपके क्या विचार हैं और किस तरह से आप विसर्जन करेंगी? जैसे नदियों में अगर विसर्जित करने के लिए कहा भी गया है तो हम लोग अपने घर में रख सकते हैं, उसको पूजा वगैरह करें, और उसके अगर टूटी फूटी हो तो उसको मंदिरों में रख दें। अब क्या करा जाए, इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है हम लोगों के पास। आज पहला दिन है तो पहले तो कलश स्थापना होती है, बट उसके पहले हम लोग यहाँ मंदिर आते हैं पूजा करने के लिए, उसके बाद फिर घर जाके फिर कलश स्थापना होती है, माता जी की पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ सभी लोग फास्ट रहते हैं, बस पापा को छोड़ के, बाकी मम्मी, मैं, मेरी दो सिस्टर्स हैं। और 9 दिन माता रानी के अलग अलग रूप की पूजा करते हैं और आखिरी दिन फिर कन्या पूजन होता है घर में। तो ये एकदम सही है, उससे हमारी नदियाँ जो हैं वो गंदी हो रही हैं। और ज़्यादातर देखो आप, दिवाली वगैरह की जो मूर्तियाँ भी होती हैं वो सब लोग उसी में डालते हैं, तो उसमें नहीं डालना चाहिए। गवर्नमेंट में मतलब जैसे बाहर एरिया में मैदानों में बनवा रखा है जहाँ पे आप अपना कलश वगैरह रख सकते हो, या फिर हाईवे के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं जिनके चारों तरफ बाउंड्री होती है, आप हम लोग तो वहीं पर रख के आते हैं, नदियों में नहीं डालते हम लोग। देखिए, मेरा नाम सतीदीन अवस्थी है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ और लगभग 15-20 साल से यहाँ रह रहा हूँ। और यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा इसकी स्थापना हुई। खास बात ये है कि यहाँ जितना भी भक्त आता है वो काली की, बड़ी काली के नाम से आता है, लेकिन यहाँ विग्रह जो है वो लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप में है। ये नारायणी माँ की पूजा होती है, नारायणी ही जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि ये नारायणी स्वरूपा जो है बड़ी काली जी मानी गई है। जैसा कि लिखा है कि काली काली महाकाली, काल के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमस्ते, कि ये वो नारायणी है जो सबको आनंदित करने वाली है। यहाँ जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, ये पूरा दृढ़ विश्वास ही नहीं, हर व्यक्ति की आशा है कि यहाँ जो आया वो खाली नहीं गया। देखिए, प्रदूषण के लिए नदियों में मूर्तियाँ डालना, केमिकल्स की और पेंट की जो बनी मूर्तियाँ होती हैं वो जीव जंतु और मनुष्यों पर बड़ा बुरा प्रभाव डाल रही हैं, इसलिए बहुत अच्छा कदम है। हम भी यहाँ मंदिर से फूल और ये सब पहले वही गोमती में जाती थी, लेकिन अब जो है ये सब नगर निगम की गाड़ी से जाकर के खाद बनती है, सेंट बनता है और इससे उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं। सारे फूल जो है वो सुरक्षित रहते हैं और सब लाद की गाड़ी पे ले जाते हैं और वहाँ इससे खाद या सेंट कई तरह की चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ प्लांट बनते अभी भी, लेकिन बहुत से लोग करते हैं नदियों में विसर्जन, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये पुराने समय से आ रहा है, आस्था का विषय रहता है कि हवन की राखी, फूल, मूर्तियाँ, टूटी फूटी मूर्तियाँ, ये सब ले जा कर के लोग नदी में डालते थे क्योंकि वो पवित्र मानते थे। लेकिन आज उसका हश्र ये हुआ कि इतना प्रदूषित जल हो गया कि आचमन करने लायक नहीं है, इसलिए हम भी हर आदमियों से यही अनुरोध भी करते हैं, हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि अगर प्रदूषण न फैलाएं और नदियों में मूर्तियां, फूल और ये हवन सामग्री और राख ये न डालें, अस्थि विसर्जन होती है, हम तो उसका भी विरोध कर रहे हैं कि वो भी न डाली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रदूषण होना बड़ा गलत है। जब
इतना प्रदूषित जल हो जाता है कि जिसको इंसान तो क्या जानवर, जो पूजने योग्य जल है, जिसकी हम पूजा करते थे, जिसका जल हम लेकर के शंकर जी पर चढ़ाते थे और अमृत समर के जलपान करते थे, आज उसकी इतनी खुशबू है कि लोग उसको हाथ में नहीं लेते हैं। ये हम सब के शर्म की बात है। उस नदियों की और कुओं की सुरक्षा हम सबका दायित्व है। जैसा कि आपने देखा कि पंडित जी ने हमें बताया कि उन्होंने ये बताया कि इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने किया है और इस मंदिर में काली की पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर नारायण और लक्ष्मी जी स्थापित किए गए हैं। और उन्होंने ये भी बताया मूर्तियों को लेके कि मूर्तियों को नदियों में नहीं स्थापित करना चाहिए, इससे प्रदूषित जल होता है। और इन्होंने ये बताया कि यहाँ के फूल और जो मूर्तियाँ हैं उसको एक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मैं कैमरा पर्सन जिशान के साथ मनु तिवारी, अलाइव 24 न्यूज, लखनऊ। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।